हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उसकी हमें हेल्प लगेगी। ठीक है, तो उसकी सहायता से देखिए क्या क्या हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको, जैसे कि डिफरेंशियल, अगर कोई फंक्शन एक्स टी है जिसका डिफरेंशिएशन कर रखा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हमारा एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो। ठीक है, यह होगा इफ, और अगर हमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी है, इफ इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, मतलब हमको या तो इनिशियल कंडीशन दी नहीं गई है या फिर ये अज्यूम प्रोवाइड ये दिया गया है कि इनिशियल कंडीशन जीरो है, तो फिर इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हम क्या मानेंगे, डी ऑफ एक्स ऑफ टी, डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस इंटू एक्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ एस। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन है डी टू डबल डिफरेंशिएशन है टी स्क्वायर एक्स टी का, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हमारा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस ऑफ वाई डैश जीरो माइनस वाई ऑफ जीरो। और इस केस में भी इफ इनिशियल कंडीशंस आर जीरो देन व्हाट, डी टू और डी टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी का अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि कोई एग्जांपल दिया है y ऑफ t है, तो y ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका, कैपिटल y ऑफ s होगा। x ऑफ t है तो x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका, कैपिटल x ऑफ s होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमको एग्जाम्पल दिया गया है d ऑफ dt y ऑफ t प्लस 4 y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी, और हमें करना क्या है, कैलकुलेट y ऑफ टी 4 x t इज इक्वल टू u ऑफ टी यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरफ लेते हैं, डी ऑफ डी टी y ऑफ t प्लस 4 y ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t। तो देखिए ये अलग अलग आपका एडिटिविटी प्रॉपर्टी शो करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म d ऑफ डी टी वाई ऑफ टी इस पे अलग लगेगा, प्लस 4 कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ टी पे अलग लगेगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी पर अलग लगेगा। तो देखिए कैसे होगा, देखिए डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखिए यहां पे इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है, इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है तो हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस को जीरो मानते हुए तो इसका क्या होगा, एस इंटू वाई टी
का y ऑफ s प्लस 4 y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s इंप्लाइज दैट y ऑफ s को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर s प्लस 4 इज इक्वल टू x ऑफ s इंप्लाइज दैट y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s अपॉन s प्लस 4। यहां तक हम पहुंच गए, हमको क्या निकालना है, y ऑफ t निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट y ऑफ t फॉर x ऑफ t इक्वल टू ut दिया हुआ है। तो देखिए x ऑफ s दिया हुआ है यहां पर, तो x ऑफ t दिया हुआ है, तो x ऑफ t से x ऑफ s हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x ऑफ s क्या होगा, इसको देखिए x ऑफ t हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x ऑफ t हमें दिया हुआ है ut। तो x ऑफ s क्या होगा, 1 अपॉन s होगा। तो अब x ऑफ s को y ऑफ s की जगह प्लेस कर देते हैं, तो y ऑफ s क्या था अपना, x ऑफ s अपॉन s प्लस 4 यही था। तो इसको प्लेस करते हैं, तो 1 अपॉन s डिवाइडेड बाई s प्लस 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y ऑफ s इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन s इंटू s प्लस 4। अब इसको फ्रैक्शन की हम रेजिड्यू मेथड से सॉल्व करते हैं। रेजिड्यू मेथड क्या होता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन s प्लस b अपॉन आपका s प्लस 4। तो a क्या होगा आपका y ऑफ s इंटू इसके नीचे जो है, यानी कि s प्लस 0 लिख सकता हूं मैं, और s प्लस 0 है तो s की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 0 रखनी है। तो देखिए रखिए फंक्शन क्या है, 1 अपॉन s इंटू s प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा अपना s, और वैल्यू कितनी रखनी है, s इक्वल टू 0। तो देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा हमारा, a का वैल्यू आएगा हमारा s प्लस 4 में s का वैल्यू 0 रखने पर, तो 1 अपॉन 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.25, राइट। ठीक है, अब b का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, b का वैल्यू भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, b के साथ में क्या है डिवाइड में, s प्लस 4 है, तो y ऑफ s इंटू s प्लस 4, और s प्लस 4 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, माइनस फोर हमें प्लेस करना है। ठीक है, तो रखते हैं 1 अपॉन s इंटू s प्लस 4, यही है y s का वैल्यू, ये रहा। ठीक है, इंटू s प्लस 4 और s इक्वल टू माइनस 4 हमें प्लेस करना है। तो देखिए s प्लस 4 से s प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस बार क्या बचेगा, 1 अपॉन s, और s की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस 4, यानी कि 1 अपॉन माइनस 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस 0.25। ठीक है, तो 0.25 आ गई। तो अब हमारा y ऑफ s क्या होगा, y ऑफ s हमारा होगा y ऑफ s होगा हमारा 0.25 अपॉन s, a की वैल्यू ये थी, और b की वैल्यू माइनस का 0.25 अपॉन s प्लस 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 इंटू 1 अपॉन s माइनस का 0.25 इंटू 1 अपॉन s प्लस 4। तो 1 अपॉन s किसका होता है, u ऑफ t का, तो 0.25 इंटू u ऑफ t माइनस का 0.25। s प्लस 4 किसका होता है, e की पावर माइनस 40 इंटू ut का। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेते हुए 0.25 इंटू ut को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 40। ये हमारा फाइनल आंसर होगा y ऑफ t। ठीक है, यहां से हमने क्या किया है, टेकिंग यहां से, ठीक है, टेकिंग
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें इस तरीके से आपकी इक्वेशन ऑब्टेन होगी। अब देखिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि डी टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस फोर ऑफ डी एक्स, इसको वाई मान लेते हैं, वाई टी, ये भी वाई टी अपॉन टी टी प्लस फोर वाई टी इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी प्लस एक्स ऑफ टी, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता है आपका वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है। और हमको कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एस स्क्वायर इसका इनवर्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस फोर ऑफ वाई ऑफ एस, और इसको फोर फोर एस फोर एस वाई ऑफ एस और इसका फोर ऑफ वाई ऑफ एस इज इक्वल टू इसका लेंगे तो एस इंटू एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस टू इंटू एस एक्स ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस। तो यहां पर वाई ऑफ एस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर, ठीक है। और इधर क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन इंटू एक्स ऑफ एस। हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स प्लस एस। तो इसको इधर एक्स ऑफ एस के नीचे ले आते हैं, यहां पर लिख रहा हूं तो ये होगा वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू हाउ मच आपका एस स्क्वायर टू एस प्लस वन अपॉन ये वाली राशि जो है इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर। तो ये हमारा कहलाता है आपका एच ऑफ एस दैट इज वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर टू एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस अपॉन वन। तो ये जो फंक्शन है यह कहलाता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन और इम्पल्स रेस्पॉन्स। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी कंट्रोल सिस्टम में, जब कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में और अदर, तो ये हमारा कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन किसी भी आपका सिस्टम का, ठीक है, जिसमें आउटपुट यह क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट जो कहलाता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।